पाठ चार, पशुओं की महासभा। परिचयात्मक प्रश्न, कौन कौन से पशु मनोरंजन के लिए कैद करके रखे जाते हैं? शेर को पिंजरे में होना चाहिए या वन में? क्या भालू को कैद में रखना और उसके नाक में नकेल पहनाना क्रूरता है? प्रतिबिंब, बालकों में पशुओं के प्रति प्रेम जागृत करते हुए उनके प्राकृतिक परिवेश में रहने देने की आवश्यकता बताना। परिकल्पना, क्या आपने पशु अत्याचार के विषय में पढ़ा या सुना है? जंगल का राजा शेर कल ही निकट के नगर में चल रही सर्कस के पिंजरे से किसी तरह भागकर जंगल में लौटा है। साल भर वह 8 फुट लंबे 8 फुट चौड़े पिंजरे में बंद रहा। भूख प्यास से व्याकुल उसने नारकीय यातनाओं भरा जीवन जिया। वह बहुत दुबला हो गया है। उसकी व्यथा सुनकर सिंह परिवार ने जंगल के सभी पशु पक्षियों की महासभा बुलाई है, जिसका संचालन सिंह परिवार के शुभचिंतक जिराफ कर रहे हैं। बंधुओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज की यह महासभा वनराज सिंह के मनुष्य के कैद से अपने राज्य में वापस लौटने की खुशी में स्वागत समारोह के रूप में बुलाई गई है। पहले वनराज आपके सम्मुख 2 शब्द अपने संबोधन में कहेंगे। उसके पश्चात जिन मुख्य वक्ताओं से मैं आग्रह करूंगा, उनके संबोधनों से आपको लाभान्वित होने का अवसर प्राप्त होगा। सभी पशु जिराफ की बात पर तालियां बजाते वह खुशी से शोर मचाते हैं। शेर अपने स्थान से उठता है और पंजा उठाकर सबको शांत हो जाने का संकेत करता है। मेरी प्रिय प्रजा, आप सबका अभिनंदन है। अपने राजा के प्रति प्रेम प्रकट करने के लिए आप सभी से अत्यंत प्रसन्न हूँ। पिछले वर्ष एक सर्कस कंपनी के कुछ जल्लादों ने मेरा अपहरण कर लिया था। यह उस समय की बात है जब मैं दोपहर के समय एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहा था। उन्होंने राइफल से बेहोशी का इंजेक्शन मुझ पर दागा। वे मुझे बेहोशी की अवस्था में एक छोटे ट्रक में उठा ले गए और पिंजरे में बंद कर दिया। वहां मुझे कितनी यातनाएं दी गई मैं वर्णन नहीं कर सकता। मुझे एक समय थोड़ा सा मांस खाने को दिया जाता और सर्कस में दिखाने वाले कर्तव्य सिखाने हेतु घंटों पीटा जाता। मैं इतने बड़े वन का राजा कि जहां तक चाहे खुले आसमान के नीचे विचरण कर सकूं, वहां मुझे छोटे से तंग पिंजरे में रखा जाता। मैं क्रोध से दहाड़ता, पीड़ा से कराहता, परंतु दया के बाह्य आवरण में लिपटा मानव कितना निर्दयी है, मैं वहां जान पाया। वहां मैंने हाथी, घोड़े, चीते, बंदर, भालू, तोते, कुत्ते आदि भी देखे। उन सबको भी तमाशा दिखाने का प्रशिक्षण देने के समय बहुत यातनाएं देते हैं। सबसे अधिक यातनाएं उसी पशु को मिलती हैं जो उनकी बात मानने से मना करता है। आप सभी को मनुष्य से सावधान रहने की आवश्यकता है। वे लोग दल बनाकर बंदूक के लिए वनों में घूमते हैं, वन्य पशुओं का शिकार करते हैं, वन काटकर हमें बेघर करते हैं, जीवित रूप में पकड़कर हम पर विभिन्न प्रकार से अत्याचार करते हैं। मैं बस इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अब भालू महाशय अपने विचारों से आपको अवगत कराएंगे। बंधुओं, मैं आपका अधिक समय न लेते हुए भालुओं पर होने वाले अत्याचारों के विषय में आपको बताऊंगा। हम मनुष्य को किसी प्रकार की पीड़ा पहुंचाने उसके घर नहीं जाते, परंतु वह वनों में आकर हम पर भांति भांति के अत्याचार करता है। मैं जब छोटा था, एक मदारी मुझे पकड़कर ले गया। उसने मेरी नाक में नकेल डाली और चमड़े के पट्टे से मुंह बांध दिया। वह दिन भर मुझे लिए गांव गांव भटकता था, मेरा तमाशा दिखाता और पैसे कमाता, अपनी जीविका चलाता। मुझे उसने भूखा मारा। मुंह बंधा हुआ होने से मैं क्या खा पी सकता था, आप अनुमान लगा सकते हैं। मेरा जीवन घोर यात्रा से गुजरा। एक दिन पशुओं की भलाई के लिए बनी एक स्वयंसेवी संस्था ने यह सब देख लिया और मुझे आजाद करवाया। इस कारण आज मैं आपके सामने हूँ। भाइयों, मनुष्य प्रकृति के हर जीव का
उसकी उपयोगिता अनुसार दोहन करता है। उसे सावधान रहने की आवश्यकता है, यह कहकर बैठ जाता है। अब वानर महाशय अपने विचार आपके सामने रहे। वानर भाइयों, मनुष्य के किसी भी बच्चे से पूछो, मेरे विषय में बता देगा। मनुष्य ने मेरे वंशजों को और मेरी जाति को जो यातनाएं दी हैं, उसका कहाँ तक वर्णन करूं? मेरी जाति को रस्सी में बांधे हुए मदारी मीलों तक लिए फिरते हैं, उनका तमाशा बनाकर अपने परिवार का जीवन निर्वाह करते हैं। मेरे लिए खाने को मदारी के पास कुछ नहीं बचता। जरा जरा सी बात पर मुझे पीटता है। तमाशे के समय कोई तमाशबीन मुझे कुछ खाने को देता है तो खा लेता हूँ, वरना मदारी पहले स्वयं कुछ खाता है और यदि बच जाए तो जूठन मुझे देता है। विभिन्न अवसरों पर लोग मेरी जाति को हनुमान जी का वंशज समझकर पूछते हैं और उसका यह पुरस्कार देते हैं कि मेरी जाति तमाशा दिखाई और यातना झेली। इतना कहकर वानर बैठ जाता है। भाइयों, अनेक वक्ताओं ने आपके सामने अपने विचार रखे। इस विषय में मुझे यही कहना है कि हम अपने प्राकृतिक वातावरण में रहना चाहते हैं, उन्हें नगर गांव और हमें वन चाहिए। हमारा उनसे कोई विरोध नहीं है। वे ही हमारे वनों में आकर हमारी हत्या करते हैं अथवा हमारा अपहरण करके ले जाते हैं। अब से सभी वनवासियों को पूर्ण रूप से सावधान रहना होगा। कहीं भी मनुष्य दिखाई दे, सभी शोर मचाकर जंगल सिर पर उठा ले और हमला करने के लिए उसकी ओर दौड़े, उसे जंगल छोड़ने पर मजबूर कर दें। अब मैं पक्षियों से कहना चाहता हूँ, क्या उन्हें अपने विषय में कुछ कहना है? तोता टाए टाए करने लगता है। भाइयों, मुझे लगता है कि संसार भर में मेरे अनेक सुंदर व अलग अलग रंग रूप की प्रजातियाँ हैं। मनुष्य अपने घरों की रौनक बढ़ाने के लिए मेरी जाति को पिंजरों में बंद रखता है। पिंजरा चाहे सोने का हो, क्या उस परतंत्र जीवन में कोई प्रसन्न रह सकता है? मेरी जाति एक बार पिंजरे में जाने पर वही प्राण त्याग देती है। भला तोतों ने मनुष्य का क्या बिगाड़ा? कोई हमारी गलती तो बताए। मनुष्य यह मानता है कि संसार में सभी जीव उसके गुलाम है, वही उसका भगवान है। महानुभावों, हम कोई भी रीति अपनी रक्षा के लिए अपना लें, मनुष्य उन सबको विखंडित करके मनमानी करेगा ही। वह सदा से हम पर अत्याचार करता आया है। वह तो अपनी ही जाति के लोगों को किसी न किसी रूप में गुलाम बनाकर रखता है। एक ओर अनेक मानवीय संस्थाएं वनों और पशु पक्षियों की रक्षा का बीड़ा उठाती हैं, दूसरी ओर अत्याचारी लोग हमारे टोह में लगे रहते हैं। यहाँ तक कि बच्चे भी छोटी छोटी बंदूकें लेकर हमारा शिकार करते हैं। हम पंछी तो बेबस हैं, कहाँ जाएं, क्या करें? तभी गंगोर घटा छा जाती है और बिजली कड़कड़ाती है, जमकर पानी बरसने लगता है। आगामी सूचना तक सभा विसर्जित कर दी जाती है।